आपके घर में इलेक्ट्रिक का काम तो हुआ ही होगा, और उस समय जब वायरिंग के काम चल रही थी उस टाइम में मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल आपके आपसे अलग अलग तरह की क्वाइल की डिमांड की होगी, जो अलग अलग कंपनीज की तार की डिमांड की होगी, जैसे कि कुछ मैं आपको आपके लोड के अनुसार टेक्नीशियन ने आपसे चार्ज किया होगा, जैसे आपको 6 mm, 8 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 1.5 mm, 1 mm, 0.75, तो ये सारी कॉम्बिनेशन आखिरकार एक बोर्ड में कैसी लगी रहती है और इसका काम क्या होता है। जैसे आप बोर्ड में देखोगे तो बहुत किस्म की तारें होती है, जैसे मैं जैसे 2.5 mm भी लगी रहती है, ये वाली 2.5 mm लगी है, उसके बाद में मतलब यहाँ 1.5 mm भी लगी रहती है, उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप तो मतलब 1 mm की भी लगी रहती है, उसके बाद में 1 mm की एक और दिखी जाती है यहाँ पे रेड कलर की है, दूसरी आपको यहाँ पे दिख जाती है ब्लैक कलर की जो कि 2.5 mm, और ग्रीन ब्लू कलर की है जो कि आपकी 2.5 mm, और उसकी जो ग्रीन कलर की हो जाती है वो 0.75 mm की है। तो आखिरकार ये क्यों क्यों मतलब कैसे और किस लिए लगाए रहते हैं, जो कि आपके घरों में अलग अलग, जैसे किसी में देखोगे तो आप 4 mm की वायर डाली रहती है, किसी में आप देखोगे तो 2.5 mm की डाली रहती है, किसी में आप देखोगे तो 6 mm की डाली रहती है। तो आखिरकार इसका रीज़न क्या होता है, जो कि हर अलग अलग कैटेगरीज की वायर आप यूज़ करते हो, तो उसी पे रीज़न पे आप विशेष रूप से बात करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है ये खास करके वायरिंग के साथ साथ, अगर वायरिंग के मतलब कितने मैकेनिकल ये होते हैं कि उनको वायर की कॉम्बिनेशन पता नहीं रहती है कि आखिरकार कितने mm की वायर पे कितनी वाट की लोड चलाई जा सकती है, साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाली है जो कि स्टेबलाइजर का काम करते हैं, बाय द वे उन इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर का कनेक्शन करते हैं, और उसमें उनको समझ में नहीं आती है कि 3 mm 3 kV के स्टेबलाइजर जब आप कनेक्शन कर रहे हो तो उसमें कितने mm की वायर से कनेक्शन की जाती है, या 5 kV के स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें कितने mm की वायर मतलब लगाई जा सकती है, तो उसी पे आप विशेष रूप से बात करेंगे, ताकि आपकी वायरिंग होती है उसमें आपने बहुत तरह की तारें देखी होंगी, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बनी रहती है कि आखिरकार इस वायर का कितना लोड होता है। और एक चीज़ ये कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो शायद आपसे भी अनुमान कर सकते हो कि हाँ हमारे घर में कितनी की लोड है, और हम टेक्नीशियन अगर आपको ज़्यादा mm का वायर रेफरेंस कर रहा है कि आप इस mm का वायर डालिए, तो आप खुद से भी अनुमान करके ये समझ सकते हो कि हाँ हमको कितना mm का वायर लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं और जानते हैं और समझाते हैं आपको कि कितने mm की वायर से कितने mm की लोड ली जा सकती है। तो मेरे भाई मैंने कुछ वायर जो कि आपको रेगुलर यूज़ में होने वाली वायर है, जैसे किसी मॉल का, किसी या बड़े बिल्डिंग या चार मंजिल, 5 मंजिल या 6 मंजिल, 7 मंजिल का काम कर रहे हो, तो उस टाइम तक आपको कितने mm की वायर लेनी चाहिए मैं उतना ही रुपये बात करने वाला हूँ। यानी कि मैक्सिमम हमने 10 mm की वायर तक रेफरेंस की है इस वीडियो में, मैंने 10 mm वायर तक को कैप्चर किया है कि 10 mm की वायर आपकी कितनी लोड ले सकती है, साथ साथ 2.5 mm और सबसे नीचे आती है 0.75 mm की वायर, आखिरकार वो भी बोर्ड में दिख जाती है तो उसका भी क्या रीज़न होता है। और शायद तर ये भी आप लोग जानते होंगे 0.75 mm की वायर की जहाँ तक नाम आई तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये दौड़ेगा कि ये इन्वर्टर की वायर है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में उसकी जो काम होती है वो 0.05 mm की जो काम होती है वो आपका इन्वर्टर का नहीं होता है, वो आपका उसका दूसरा काम होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको एडजस्ट रूप में लेकर के हम लोग उसको इन्वर्टर पर डाल देते हैं, लेकिन इन्वर्टर की एम्पियर ज़्यादा होती है। अगर आप जलाते हो, किसी भी सर्किट को ऑपरेट करते हो, तो आप लोग एक चीज़ कमांड ये करोगे कि इन्वर्टर में जब आप उस चीज़ सर्किट को यूज़ करोगे तो कभी उस एम्पियर को माप करके देखना, और उसी सर्किट को आप लाइट से जब ऑपरेट करते हो तो उस टाइम में आपको माप करके देख लेना उसको, यानी कि लाइट के मुकाबले इन्वर्टर में आपको 3 गुना ज़्यादा एम्पियर लेता है। आखिर क्यों लेता है? क्योंकि वो बैटरी से जनरेट हो रहा है, उसको आप बना रहे हो इसलिए वो ज़्यादा एम्पियर लेता है। दूसरा चीज़ ये कि इन्वर्टर की आउटपुट जो वोल्ट होती है वो कभी आप देखोगे तो 260 वोल्ट से ऊपर आउटपुट करता है, लेकिन वहीं 260 वोल्ट अगर डायरेक्टली लाइट की चली जाए तो आपकी फ़ैन या बल्ब कोई भी आपकी उपकरण खराब हो सकती है। तो इसलिए आप ये गलत फहमी अपने दिमाग में ना पाल के रखें कि हाँ हमको 0.05 mm की वायर दिखी तो वो इन्वर्टर की वायर है, बिल्कुल नहीं। तो हम विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिरकार कौन सी वायर का कितना एम्पियर लोड होना चाहिए और कितने mm में चलती है। तो सबसे यूजफुल और सबसे इम्पोर्टेंट आती है आपका, मतलब हम सबसे पहले ये चीज़ आपको बता दूँ कि आपके घर में रेगुलर होने वाली तो 2.5 mm, 1.5 mm और 4 mm, ये वायर कंपॉसिबल होती है, मैनुअल सभी घरों में लगी रहती है आपके लोड के अनुसार। जैसे आपके घर में लोड कम है तो 2.5 mm लगा दी जाएगी, थोड़ी सी लोड एक्स्ट्रा है तो आपको 4 mm डाल दी जाएगी, और लोड नहीं है तो आपको 2.5-1.5 से काम चल जाएगा। तो इसी पे हम विशेष रूप से बात करेंगे, साथ साथ ये भी मैं 10 mm वायर तक के उसके में कैप्चर किया हूँ कि 10 mm वायर तक मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी कैपेसिटी क्या है और लेंथ क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 mm, जो कि 4 mm वायर आपके घरों में लगी रहती है, जो कि आप मैकेनिकन के मुँह से ये सुनोगे कि 3 AC लगानी है तो आपको 4 mm वायर लेना होगा, 4 AC लगानी है 4 mm वायर लेना होगा, 2 AC भी लगानी है तो भी आपको 4 mm वायर लेना होगा, लेकिन नहीं, 4 mm वायर की कैपेसिटी, वार्ड कैपेसिटी 6000 वाट की होती है। एक 4 mm की वायर अगर आप इसमें डालते हो, ये 4 mm वायर, तो इस बोर्ड की कैपेसिटी आपकी जो होगी, इस बोर्ड की कैपेसिटी 6000 वाट की होगी,
अब इससे आप अनुमान कर सकते हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ 6000 वाट, क्योंकि डायरेक्टली एमसीबी से ये वायर आ रही है आपकी बोर्ड तक, 2.5 mm वायर डायरेक्ट एमसीबी से आपकी आ रही है। अगर यही 2.5 mm वायर डायरेक्टली आपका मेन पाउच, जो कि मेन सर्किट बने रहती है जहाँ पे चेंजर वगैरह लगे रहते हैं, वहाँ से लेकर के अगर आउटपुट तक रहती है, यानी कि जहाँ से मेन इनपुट होती है और आपकी चार्टर का मतलब चेंजर का डिवाइस तक आती है, एमसीबी बॉक्स तक आती है, वहाँ पे अगर आप 2.5 mm डालते हो तो आपकी पूरी सप्लाई की जो लोड होगी, यानी कि पूरी आपकी घर की जो लोड होगी, वो आपका होगा 6000 वाट का। लेकिन नहीं, यहाँ पे मेथड क्या होता है कि डायरेक्टली एमसीबी बॉक्स से, जो हमारी ये एमसीबी बॉक्स लगी रहती है, इस एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट हमारी सप्लाई 2.5 mm से निकल के हमारे बोर्ड तक आ रही है, तो इसलिए इस बोर्ड की कैपेसिटी हमारी 6000 वाट की हो जाती है। लेकिन मैनुअल हमारे घर में एक बोर्ड की कैपेसिटी 6000 वाट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इतना हैवी वायर डालते हैं। बाय द वे बात मैं बता दूँ कि एसी एक लग गई एक रूम में, तो उसकी कैपेसिटीज़ क्या हो जाती है, एक एसी की कैपेसिटीज़ कंपनी के अकॉर्डिंग दूसरी होती है, बट हम थोड़ा सा समथिंग लेके चलते हैं 2000 वाट, क्योंकि 1 kW का स्टेबलाइजर एक एसी के पास लगा रहता है, इसलिए हम उसको अनुमानता या कंपनी 1 kW की देती है, लेकिन हम उसको बढ़ा करके लेते हैं 2 kW। तो 2 kW की अगर एक एसी एक रूम में लगती है, तो वहां पे आपको 4 mm डालना गलत बात है, क्योंकि 4 mm वायर की कैपेसिटी आपकी 6000 वाट की होती है और एक एसी की कैपेसिटी आपकी 2000 वाट, यानी कि एक रूम आप जो पूरा चला रहे हो 2000 वाट की होती है, तो वहां पे आप 2.5 mm से एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो जैसे आपने समझ लिया होगा कि 4 mm वायर की कैपेसिटीज 6000 वाट और हो जाती है 20 एम्पियर, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा अधिक होता है और बहुत एक्स्ट्रा होता है 4 mm वायर, क्योंकि उससे मेन सर्किट आपकी हो जाती है। 2.5 mm वायर की कैपेसिटीज आपकी 4800 वाट होती है, 15 एम्पियर होता है 2.5 mm वायर, ये आपकी 2.5 mm जो हो जाती है, इस 2.5 mm वायर की कैपेसिटीज आपकी 4800 वाट की होती है और आपका 15 एम्पियर का होता है। इसने आपने समझ लिया होगा। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि आपकी 1 mm इसमें मेन बोर्ड में आपको 1 mm वायर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको जितने सर्किट पंखे होंगे या अलग तरह के झूमर बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह जो भी लगाए होंगे, उसकी सारी लेंथ आपकी निकल के आती है आपका 1 mm वायर से। तो 1 mm वायर की कैपेसिटीज मैं आपको बता दूं, तो 1 mm वायर की कैपेसिटी आपको 2400 वाट की होती है, 6 एम्पियर लोड लेने की होती है। इसलिए हम लोग जितनी सर्किट हम लोग ऑपरेट करते हैं, यानी कि बल्ब पंखा आयरन मतलब जो भी होते हैं घर में, झूमर वगैरह जो भी लगाए रहते हैं, वो हम लोग सर्किट आपका 1 mm से लेते हैं। दूसरा चीज ये आता है अर्थ, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है न्यूट्रल, बॉडी अर्थ, मेन फेस, तीन चीज होता है। तो हम लोग न्यूट्रल इसमें लेते हैं 1.5 mm वायर से। अगर यहाँ पे 4 mm वायर लगी रहती है तो हम न्यूट्रल लेते हैं 2.5 mm वायर से, लेकिन 2.5 mm वायर लगी है इसलिए हमने न्यूट्रल लिया इससे 1.5 mm वायर से। तो एक चीज़ ये कंपेरिजन आप समझोगे कि न्यूट्रल में हमारी सारी लोड रहती है, तो हम लोग न्यूट्रल पर डाल देते हैं पतला वायर और मेन फेस में हम लोग डाल देते हैं मोटा वायर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी लोड को डिवाइड करके हमारे 2.5 mm चलाती है और 2.5 mm की लोड को डिवाइड करके 1.5 mm चलाती है। तो 1.5 mm वायर की कैपेसिटी आपके 3600 वाट की होती है और उसकी कैपेसिटी 8 एम्पियर की होती है, एक वायर की कैपेसिटीज। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कॉमन सेंस बताया कि अगर आपकी बोर्ड में 0.75 mm की वायर दिखे, यानी कि 0.75 की वायर दिखे, तो कन्फ्यूजन आपके मन में आ जाती है कि ये इन्वर्टर की वायर है, लेकिन नहीं, उस वायर का उपयोग किया जाता है आपका बॉडी अर्थ के लिए। यहाँ पे जो लगाई रहती है ये वाली बॉडी अर्थ, ये वाली 5-pin में जो सबसे ऊपर वाला बॉडी अर्थ का सिंबल होता है, उसके लिए उपयोग किया जाता है 0.75, क्योंकि बॉडी अर्थ बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दिखेगा इस बोर्ड में भी बॉडी अर्थ हमारी डाली गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इलेक्ट्रिशियन देख रहे हैं तो उनके लिए ये खास होने ही आने वाली है, क्योंकि आप अगर वायरिंग के काम कर रहे हो तो बॉडी अर्थ डालना बिल्कुल मोस्ट ही मोस्ट है, आप लोग जरूर डालिएगा। एक चीज अब ये सामने निकल के आती है कि आखिरकार अब हम समझ लेते हैं कि इन्वर्टर की वायर किससे ली जाती है। तो इन्वर्टर की वायर आपके कैपेसिटीज़ के अनुसार, यानी कि आप 24 वोल्ट का वायर मतलब इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो, बिग साइज इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो, तो मैं ये बताऊंगा आपको, ये प्रेफरेंस करूंगा कि आप कभी भी 1.5 mm वायर का उपयोग करें। अगर आप सिंगल बैटरी 12 वोल्ट इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको यूज़ करना है उसमें आपको 1 mm वायर, जैसे हमने इसमें रेड वायर एक अलग से डाल रखे हैं ये वाली, तो आपका ये वाला इन्वर्टर का वायर हो जाता है, जो कि डायरेक्टली हमारी मेन सर्किट से जुड़ी है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि वायर की कैपेसिटीज़, अब समझते हैं वायर की लेंथ क्या होती है और उसकी वाट क्या होती है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन जो कि ये मैंने लिया, मैं अपने अकॉर्डिंग मैं अपने इस चीज़ को नापे है, अगर नहीं मिल, अगर आपको समथिंग विश्वास नहीं होगा तो गूगल कर लीजिएगा, सेम अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा अलग आएगा ये मान सकता हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सेम वही आपकी आने वाली है गूगल से भी। तो मैंने कुछ इसके वायर कॉम्बिनेशन भी मैंने लिख रखे हैं, जो कि मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 mm वायर, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा मोटा वायर हो जाता है, यानी कि सभी की कंपेरिजन इसको पूरी पकड़ी जाए तो एक वायर होगी। तो 10 mm वायर की कैपेसिटीज होती है 14000 वाट और 40 एम्पियर,
काउंट करते जाइएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। 8 mm की कैपेसिटीज होती है 12,000 वाट 35 एम्पियर, जो कि एम्पियर बहुत ही मोस्टली होता है, जो कि हमारी घर की लोड अगर हैवी लोड चलाते हो तो 6 से 7 एम्पियर जाती है। हम बात कर रहे हैं 35 एम्पियर का, क्योंकि जनरेटर में एम्पियर दूसरा हो जाता है, इसलिए इस एम्पियर को मैनेज करके चलनी पड़ती है। दूसरा आता है 6 एमएम, तो 6 एमएम की कैपेसिटी जो आती है 10,000 वाट 30 एम्पियर, 4 एमएम वायर जैसे मैंने बताया आपको 6,000 वाट 20 एम्पियर, उसके बाद में आता है 2.5 एमएम वायर, उसका कैपेसिटी जो होता है 48 वाट 4800 वाट 15 एम्पियर, 1.5 एमएम वायर की कैपेसिटी जो आती है 3600 वाट 8 एम्पियर, 1 एमएम वायर की कैपेसिटी जो आती है 2400 वाट 6 एम्पियर, 0.75 वाट की कैपेसिटी जो आती है 1500 वाट 4 एम्पियर। अब मोस्टली आती है वायर कि स्टेबलाइजर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टेबलाइजर की कनेक्शन कैसे की जाती है और मतलब कौन से वायर से कैसे की जाती है, तो आप लोग ही तो हालांकि समझ ही गए होंगे कि कौन सी वायर से स्टेबलाइजर का कनेक्शन करना चाहिए। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि ये मोस्टली मैंने इसलिए समझा इस वीडियो को बनाने के लिए ताकि आपको भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि हमारी घर में एक्चुअल मतलब वाट खपत कितने की है, हमको कितना वायर लेना चाहिए, ताकि मैकेनिक आपको जो भी बोल देगा आप लोग तो उस चीज़ को करने के लिए करना ही करना है, क्योंकि मैकेनिक की चाह होती है, आपको मैकेनिक जो भी चाहे करवा सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो आप अपने से खुद से अपना मतलब प्रोडक्ट को बचा सकते हो, अपना पैसा भी सेव कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक आपका भाई प्रिंस, हमको दीजिए, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो